नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। कृषि कानूनों पर सरकार का प्रस्ताव माना जाए या नहीं, इसे लेकर आंदोलनकारी किसान संगठनों की आपसी बातचीत जारी है। कल सरकार ने किसानों से कहा है कि वो 1.5 साल तक कृषि कानूनों को निलंबित करने के लिए तैयार है। साथ ही किसान संगठनों के साथ मिलकर कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से दे दिया गया। ये पहली बार है कि किसान संगठन सरकार के किसी प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब भी सरकार के साथ तकरार खत्म होती नजर नहीं आ रही। अव्वल सरकार का प्रस्ताव माना जाए या नहीं, ये सवाल ही बड़ा है। दूसरा, अगर सरकार का प्रस्ताव मान भी लिया जाए तो भी आंदोलन खत्म करना है या नहीं, इसको लेकर भी कोई साफ संकेत अब तक सामने नहीं आए। इस बीच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर भी आर पार की नौबत है। आज किसान संगठनों ने दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर परेड करने के पुलिस के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। हालांकि पुलिस के साथ उनकी कल एक बार फिर बैठक है, इसलिए दंगल में आज सवाल है। मान गई है सरकार तो फिर किस बात की तकरार? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताएंगे कौन कौन से मेहमान हमारे साथ। सरकार इस बात पे अड़ी है कि वो रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे परेड, और हम इस बात पे अड़े हैं कि हम वहीं करेंगे। आप इसे तेवर कहिए या तकरार, किसानों के नाम पर 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर किसान झुकने को तैयार नहीं। दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को कुंडली मानेसर पलवल यानी वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रैक्टर परेड निकालने देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसान नेता दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने से कम पर राजी नहीं। अब किसान नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस की एक और मीटिंग शुक्रवार को होगी। किसान नेताओं का ये स्टैंड तब है जब कृषि कानूनों पर सरकार पहले से बेहद नरम हो गई है। 20 जनवरी की बैठक में किसान नेताओं के सामने सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को 1.5 साल तक सस्पेंड करने के साथ साथ सरकार और किसानों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। किसान नेता 22 जनवरी की अगली बैठक से पहले सरकार को प्रस्ताव पर अपना रुख बता देंगे, लेकिन ये जरूर है कि पहली बार बात थोड़ा आगे बढ़ी है। अच्छा, आपके किसान संगठन का सारे संगठन मालूम है, 500 संगठन है, कंसर्न सबके करना पड़ेगा। सबके सहमति के आधार पर एक परसों हम आके अपना जवाब देंगे। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों का जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दांव सामने आ गया है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी जी, आप और आपके मंत्री बरगलाए मत, तीनों काले कानूनों को 1.5 साल के लिए निलंबित करने से क्या होगा, सारी खामियां जस की तस रह जाएंगी, आप इन तीनों कानूनों को खत्म क्यों नहीं करते, ये कैसा अहंकार है, संघर्ष कर रहे सभी अन्नदाताओं के जज्बे को सलाम, जीतेगा किसान। आंदोलन में शामिल 40 किसान संगठनों के बीच भी सरकार के प्रस्ताव को लेकर अलग अलग राय हो सकती है। अगर 1.5 साल तक का अगर सब कमेटी बना देती है तो उसके बाद क्या आप लोग यहाँ से वोटों को ऐसे ना जाते, ये किसान ऐसे ही कहाँ चला जाएगा, इसे निमटा के चलेगा सारे को। 1.5 साल तक भी बैठा रहेगा सर। कृषि कानूनों पर सरकार का प्रस्ताव मानना है या नहीं, इसे लेकर हो रहे मंथन के बीच आंदोलन में शामिल कुछ किसान नेताओं को एनआईए नोटिस भी एक मसला बन गया है। सरकार के साथ बातचीत में किसान नेताओं ने एनआईए की नोटिस को परेशान करने का हथकंडा बताया था, हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ नलिन कोहली होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। गौरव बल्लभ हमारे साथ होंगे, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, वो किसान नेता हैं, और हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, वो भी किसान नेता हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, क्या राय बनी सरकार के प्रस्ताव पर?
देखिए दो प्रमुख मांगों को लेकर के ये आंदोलन रोहित जी हो रहा है। नंबर एक ये है कि एमएसपी को कानूनी मान्यता देते हुए और इसको जो है बाध्यकारी बनाने की जो बात है उसको सरकार ने बिल्कुल टाल दिया है, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है। दूसरा ये था कि इनको रिपील किया जाए, रिपील की जगह यदि संशोधन का प्रस्ताव इनकी तरफ से आया है या सस्पेंड करने की बात आई, सस्पेंड तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कर दिया था, तो इन्होंने नई बात कहां से कह दी। हमने बार बार कहा था कि बीच का रास्ता एक आ सकता है, यदि आप एमएसपी को बाध्यकारी बना दें, उसके ऊपर कोई निर्णय जो है सरकार ने नहीं लिया है, इस वजह से ये जो है बात आगे टलती चली जा रही है। हम आज भी कह रहे हैं कि आज आप निर्णय ले लीजिए, एमएसपी को बाध्यकारी बना दीजिए, तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति कुछ नहीं होनी चाहिए सरकार को, और किसान भी शांति से जो है चले जाएंगे। और परेड तो अब मेरे ख्याल से 5-6 दिन का समय रह गया है, और शांति से और एक भव्य परेड में यदि किसान इस देश का शामिल होता है तो किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। जी फिर बातचीत किस बात की हो रही है कल से, अगर आप इतने क्लियर हैं कि सरकार ने कुछ माना नहीं और हमको भी बदले में कुछ मानना नहीं है, तो ये क्यों कहा गया कल कि हम चर्चा करके बताएंगे, शाम को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? इसमें एक प्रस्ताव इन्होंने दिया है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं 1.5 साल के लिए, उस पर चर्चा होनी है। दूसरा प्रस्ताव जो एमएसपी को बाध्यकारी करने की बात है, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है, ना इन्होंने माना है वो। आप एमएसपी के लिए कानून चाहते हैं? नहीं मानेंगे जी। आप एमएसपी के लिए कानून चाहते हैं? कानून के लिए संसद का सत्र आएगा बनाने के लिए, कानून के लिए संसद का सत्र आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बॉर्डर पर बैठे और कहें कि नहीं मैं बॉर्डर से कानून का मसौदा तैयार करके दे रहा हूं, इसको घर से पास करके भेज दो। नहीं नहीं नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि एक कमेटी बनाते हैं उसमें आप भी शामिल होइए, क्या उसमें एमएसपी पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, ऐसा कहा गया? क्योंकि आप मीटिंग में रहे होंगे तो आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए देखिए मैं आपको बता दूं कि एमएसपी की बात अलग है इससे, और कानून के ऊपर कमेटी बनाने की बात अलग है। और आप बहुत तजुर्बेकार हैं, आपको पता है कि बिना संसद के अध्यादेश के माध्यम से क्या 5 जून को ये तीनों कानून पास नहीं किए गए थे? अध्यादेश लाया जा सकता था, अध्यादेश अब ले आए ये, उसमें ज्यादा लंबी चौड़ी कोई ड्राफ्टिंग नहीं होनी है कि भाई एमएसपी जो घोषित करती है सरकार उसको बाध्यकारी बना दिया जाए, उसके नीचे कोई खरीद परचेज इस देश में नहीं होगी, इसमें क्या आपत्ति? इसको कर देते तो एक पॉजिटिव माहौल बनता और कहीं ना कहीं किसान की सरकार की जो संशोधन वाली बात है उस पर मानने के लिए किसानों को बनाया जा सकता था, लेकिन सरकार अड़ी हुई है, अब देखते हैं क्या होता आगे। कृष्णवीर जी, सरकार कह रही है कि हम तो झुक गए हैं, किसान अड़े हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि देखिए सरकार अड़ी हुई है, अड़ा हुआ कौन है? अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तो 60 दिन के लिए कमेटी से मांगा था, सरकार ने तो अभी तक कल तक जो है आंदोलन करने वाले हमारे मित्र लोग जो है वो ये कहते थे क्यों सरकार इसे 1 साल के लिए क्यों नहीं टाल सकती, क्यों नहीं चर्चा के लिए इस पे बातचीत करी जा सकती, लंबे समय तक विस्तार से बात करने में सरकार को दिक्कत क्या है? पहले सरकार ने कहा कमेटी बना देते हैं, अब कल जो बात है सरकार का जो प्रस्ताव है वो यही तो सबके बीच में आया है कि ये सारे मुद्दे जो है उस कमेटी में जो है रखा जाए और विस्तार से आप चर्चा करिए, बिंदुवार करिए, किसी भी बिंदु पे आपको ये ना रहे कि हमें ये संशय रह गया इससे बात नहीं हुई, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था ना कि बात नहीं हुई इन कानूनों पे, चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये सब जानते हैं कि ना जमीन छिन रही थी, ना एमएसपी खत्म हो रहा था, ना मंडी बंद हो रही थी, उसके बाद भी ये सब चीजें। अब तो बात ये है कि सरकार ने कह दिया 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 1.5 साल तक भी जो है आप चर्चा करिए, विस्तार से करिए, देश के तमाम कोने कोने में करी जाए चर्चा, हर प्रदेश के जिला स्तर पर चर्चा की जाए, सबसे राय ली जाए, इसलिए ली जाए कि बार बार जो है, क्योंकि लंबे समय के बाद ये कानून बदले जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी के मन में ये रहे कि हमसे बात ही नहीं करी, हमारा सुना ही नहीं गया, तो ये शिकायत सिकवा जो है अब नहीं रहना चाहिए, और बहुत लंबा समय है अब जो है। और सरकार ने कहा है कि भाई आप भी अपने नाम दे दीजिए और सरकार भी अपने अधिकारियों को उसमें रख लेगी, तो आप उसमें खूब विस्तार से चर्चा करिए, अब कहां दिक्कत क्या रह गई है अब। और दूसरी बात यह है कि 26 जनवरी राष्ट्र का पर्व है और सेना का शौर्य का दिन है, पूरे दुनिया में एक संदेश दिया जाता है। देखिए रैली दो तरह की होती है, या विरोध में या समर्थन में। अगर हमें करना है हम अपने गांव में ट्रैक्टर परेड कर लेंगे। अब जब सारी चीजें शांति से निमटने की बात रखी गई है तो इसको खराब करने की साजिश फिर राजनीतिक होने लगे, क्या जरूरत थी इस तरीके के करने का जो है।
सारा दिन राजनीति करेंगे आप, देश की सम्मान और देश की इज्जत और देश की मान के लिए भी कहीं हम लोगों के दिल में कुछ हमें सोचना चाहिए। जरा भी शांति का वो रखना है, जरा भी कोई घटना घट गई रोहित जी, कौन जवाब देगा? सब हाथ झाड़ के बैठ जाएंगे। और ये 26 जनवरी मजाक नहीं है। और देश में वैसे ही तरह तरह के खतरे आए दिन जो है देख ही रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो इसमें और फिर ये भी बात आ गई कि अगर रैली निकालनी है तो बाहर बाहर निकाल लीजिए ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर। लेकिन हमारा सुझाव ये है कि हम अपने हर जिले में क्यों ना निकाल लें, हर प्रदेश में निकाल लें, हर जिले में निकाल लें, हर गांव में निकाल लें। जब हमें समय, खुशी तो सबको है ही। इस समय सरकार की चिंता सबको है 26 जनवरी बात को लेके है कृष्णवीर जी, कि किसान कानूनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसमें बदलाव चाहते हैं, या इस बात को लेके है कि 26 जनवरी को सड़क पे आ गए तो पता नहीं क्या सीन हो जाएगा, ज्यादा चिंता किस बात की है? नहीं देखिए, सरकार पहले दिन से किसानों की चिंता कर रही है। 10 दौर की वार्ता में ये सारी चीजें हैं। पहले ही सरकार ने कहा था एक कमेटी बना लें, तमाम बिंदुवार चर्चा हो जाएगी, शांति से हो जाएगी। तो सरकार की चिंता जो है किसान सबसे पहले रहा है। 2 महीने से आप देखिए, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, 50 दिन से ज्यादा वहां किसान सर्दी में पड़ा हुआ है। उसे कोई जानकारी भी नहीं है, उसे किसानों को कानून के बारे में जानकारी भी नहीं है। अगर आम तरीके से गांव में भी कितने लोग पूछते हैं कि जी इस कानून में है क्या, हमें यही बता दो, तो उनको नहीं पता है, सच्चाई यही है कृष्णवीर जी। लेकिन आप इस पर जो सरकार है, चिंता जो कर रही है, 10 की आज की बात स्थिति है, जो समस्या है, सरकार उससे चिंतित है। सरकार ने आप एक बात देखिए रोहित जी, यही हमारे मित्र कह रहे थे कि सरकार इन्हें स्थगित क्यों नहीं कर देती 1 साल के लिए। हमारे मित्र ही कह रहे थे। मैं सहमत हूँ, अभी ये सवाल, वो बात अभी हम भी कह रहे हैं, आपकी बातें सुन ली है, वो जवाब देंगे इसका। लेकिन आप कह रहे हैं 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, जब वो बातचीत का हल नहीं निकल रहा है, जब 2 महीने से किसान वहीं का वहीं बैठा है, तो उस बातचीत का लाभ क्या है? आप कह रहे हैं मेरी भागदौड़ में कमी हो तो बताओ, सामने वाला कह रहा है कि साहब आप भागदौड़ कर रहे हैं लेकिन हल तो नहीं निकल रहा ना, जब हल नहीं निकल रहा तो मैं घर क्यों जाऊं, कैसे समझाइएगा? मुझे कह रहे हैं रोहित जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि आप ये बताइए, कानून बनते हैं संसद में, कानून संसद में बने हैं, संसद के कानूनों में जिस जिस बिंदु पर आपत्ति है उस पर विस्तार से चर्चा ही नहीं करी अभी तक, कहीं चर्चा नहीं करी गई, चर्चा होगी नहीं, बात होगी नहीं, समाधान कैसे होगा? समाधान तो यही होगा ना कि हमें बिंदु में पहले कानून के इस बिंदु में यहां आपत्ति है, ये आपत्ति है, इसका समाधान किया जाए। तो कमेटी बनाने का तो एक सुझाव जो है वो इसीलिए सरकार ने रखा है कि आप भी उसमें रहिए ना, आप उसमें रहिए, अपनी बात करिए और उसमें जो भी जो आपत्तियां हैं उनका समाधान होना चाहिए। ठीक है पुष्पेंद्र जी, अपनी बात कह ले, भी नहीं चाहेगी और देश भी नहीं चाहेगा। पुष्पेंद्र जी आपसे एक सवाल भी पूछ रहे हैं, किसानों के साथ किसी कानून में कोई आपत्ति रहे। पुष्पेंद्र जी आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए उनकी बातों का जो उन्होंने उठाई। चौधरी कृष्णवीर जी हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, ये खुद पिछले 30 साल से कहते आ रहे हैं कि फसलों का रिजर्व प्राइस होना चाहिए। आज अब इन्होंने पूरे जवाब में बहुत ही सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये नहीं कहा कि एमएसपी का कानून हम सेपरेट बनाने को तैयार है। अगर उसको बना दिया होता तो लगभग 70-80% नंबर का क्वेश्चन जो है आपने हल कर दिया होता, उसको ना करके आप कह रहे हैं आपने कमेटी बना दी। अरे सस्पेंड करने का काम तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, हो गया है कल एमएसपी का मुद्दा कमेटी के रखने के लिए हो गया। पुष्पेंद्र जी कमेटी पे कल एमएसपी की बात कमेटी के सामने रखने का हो गया। मैं आपके बीच में कहीं बोल थोड़ी रहा था, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, आपके सामने आपके मैं बीच में नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूँ निवेदन आपसे ये है कि एमएसपी को सेपरेटली करने का जो काम है वो अध्यादेश के माध्यम से कल को हो सकता है, परसों को हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस विषय में क्या ड्राफ्टिंग होनी है ये हम पहले ही सरकार को बता चुके हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको कर देते और फिर इनको सस्पेंड करके कानून जो 3 पास किए उस पर डिस्कशन के लिए कमेटी बन सकती थी, उस पर एक राजीनामा बन सकता था। लेकिन ये दूसरा प्रश्न है एमएसपी को बाध्यकारी करने का, एग्जिस्टिंग एमएसपी की व्यवस्था लागू रहेगी, बार बार ऐसी बात कह करके कोई मतलब नहीं निकलता। एमएसपी बाध्यकारी बने, कानूनी जामा पहनाया जाए, उससे नीचे कोई खरीद फरोख्त ना हो, ये सेपरेट एक कानून लाना है, वही है जो आप खुद कहते रहे रिजर्व प्राइस वाली बात। अब आप अपनी बात कोई नहीं बता रहे, आप इसको बताएं, इसको करें, कहीं ना कहीं हल निकल आएगा जी। मसला यह है ना पुष्पेन जी के लोग ये भी कहते हैं कि राकेश टिकैत जो है वो खुद वो भी अपनी बात से पलट गए,
वो पहले इन्हीं चीजों की तारीफ करते थे, लेकिन अब वही आंदोलन के नेता बने हुए हैं। बहरहाल आज वो है नहीं हमारे साथ, होते तो उनसे ये सवाल पूछा जाता। मैं नलिन कोहली और गौरव बल्लभ, बीजेपी और कांग्रेस की बात उन्होंने भी कही है, एमएसपी की बात उन्होंने भी कही है रोहित जी, ठीक है, वो खुद सफाई दे गए एक दो बार बैठ के यहाँ पर, लेकिन नलिन कोहली और गौरव बल्लभ दोनों को चर्चा में लेके आ रहा हूँ। नलिन कोहली, आपने रणदीप सुरजेवाला का बयान सुना होगा, देखा होगा आपने, वो कह रहे हैं कि सरकार धोखा दे रही है, कानून वापस लीजिए तभी आंदोलन खत्म होगा, नहीं तो नहीं। इससे बड़ा स्पष्ट होता है रोहित जी, इस कानून, इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है। इस आंदोलन में कुछ ऐसे भी लोग दिखते हैं जो मतलब हमें तो सभी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि वो किसान है, कोई हल चलाते हैं कुछ, और वो जो है मतलब कल तक नेतागिरी करते थे, कोर्टों में याचिकाएं डालते थे, आज किसान नेता है। देखिए, किसान नेता जो किसान है असली में किसान है, और बहुत सम्माननीय कई नेता है आंदोलन में भी है जो इसके पक्ष में भी खड़े हैं, कानून के वो भी है, अपनी जमीन है, खुद खेती करते हैं, किसानों के बीच रहते हैं क्योंकि किसान है, उन लोगों की अपनी एक बातचीत है। लेकिन कांग्रेस के पूरे बयान से बड़ा स्पष्ट होता है कि हमें राजनीतिकरण करना है। कांग्रेस के तो एक एमपी ने यहां तक कह दिया कि किसानों की लाश होगी। भाई, आप चाह रहे हो किसानों की लाश में हमारी राजनीति हो, ये कहां की बात है? आप अगर चाहते हो, और ये कांग्रेस पार्टी वो है, इसके दोहरे मापदंड देखिए यार, 2005 से ऐसे ही कानून लाने के लिए या बदलाव करने के लिए लगातार बोलते गए, डेढ़ दशक में जो वो कहते आए, 19 के तो इलेक्शन मैनिफेस्टो अंग्रेजी में लिखा, हम एपीएमसी हटाएंगे। कहां हटी एपीएमसी? एपीएमसी वही के वही है, एक विकल्प और है। दूसरी बात कि वो जा रहे थे कि ये सारी चीजें हमें बदलाव लाना चाहिए, शरद पवार जी मंत्री थे उस सरकार में, उन्होंने कहा, कई चिट्ठियां लिखी, तो ये सारी बातें कांग्रेस जो कर रही थी, आज मोदी जी की सरकार गई, एपीएमसी को हटाया नहीं, एक अधिक विकल्प दे दिया, और कांग्रेस कह रही है कि इसको रिपील करिया। तो ठीक है, कांग्रेस राजनीतिकरण करती है, उन्होंने तो बालकोट में भी कहा था सबूत दिखाइए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में भी कहा सबूत दिखाइए। तो कांग्रेस की राजनीति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम अ मेनस्ट्रीम पार्टी इज बिकमिंग अ फ्रिंज काइंड ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, वो उनको करना है, देश की जनता के सामने सारी बातें जाएंगी। लेकिन अब आ जाते हैं मुद्दे पे, दूसरा विषय जो मैं कहना चाहूंगा आपकी अनुमति से। देखिए, 70-80% भाई साहब जो बैठे हुए हैं अभी अपनी बात कह रहे थे, आप एमएसपी करो तो 70% 80% हो जाएगा। मैं केवल इतना कहूंगा, एक डिमांड है कि रिपील करो। अगर रिपील करो तो कानून में या तो बदलाव होंगे कानून में, या कानून हटाने की बात होगी ना, दोनों कैसे होंगे? तो वो अड़े हुए कानून हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, किसान लोग भी नेता गए, या उनमें से किसानों में से संगठनों में से कई लोग सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक समिति बनाई। समिति का कोई अधिकार नहीं है निर्णय लेने का, समिति सबको सुन के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब अगर सरकार पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसमें भी आप कहते हैं कि हमें अपनी बात रखनी है, और गणतंत्र दिवस मतलब जहां से संवैधानिक अधिकार हमारे आते हैं, संवैधानिक अधिकार संविधान का वो गणतंत्र दिवस के दिन से ही लागू होता है, तो कम से कम हम सम्मान के साथ करें। तो मुझे लगता है कि बातचीत के माध्यम से जो सरकार कह रही है, उस मंशा से कह रही है कि एक जो भी हो हम इसको स्थगित कर देते हैं, नलिन जी कर देते हैं, दो तीन बातें बढ़ सकती है जो किसानों ने साफ कर दी। उन्होंने कहा गणतंत्र दिवस को जो परेड होती है उसके समानांतर परेड निकालने का उनका कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि उसमें व्यवधान डालने का भी उनका कोई प्लान नहीं है, वो कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे, उसके बाद उन्हें रूट और समय की अनुमति दे दी जाए, उसके हिसाब से वो अपना कार्यक्रम कर लेंगे। इस पर क्यों आपत्ति है सरकार को? नहीं, ऐसा है, इसको मैं अलग रूप से कहता हूं। मुझे बताइए, संवैधानिक अधिकार आपके, मेरे, किसान नेता या कोई व्यक्ति अगर जेल में है उसके भी एकदम समान है, जो कानून भी तोड़ता है उसके भी संवैधानिक अधिकार, ऐसी बात नहीं। संवैधानिक अधिकार में कहीं भी संविधान में ये नहीं है कि मैं अपने अधिकार के लिए आपको तकलीफ पहुंचा सकता, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार है कि मेरे अधिकार मुझे मिलने चाहिए, उतने ही आपको मिलने चाहिए, पर ये नहीं अधिकार कि मुझे अगर अपना हाथ हवा में मारने का अधिकार है तो मेरे हाथ आपके नाक से पहले रुकना चाहिए, क्योंकि आपके नाक पे लगी तो आपका नाक टूट जाएगा। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया, तो ये अब आप बताइए, दिल्ली में एक दिल्ली में बॉर्डरों पे किया है, ठीक है, किसान अपनी बात रखना चाहते हैं, उनका अधिकार है बात रखने का, लेकिन फैक्ट्रियों को भी चलाने का उतना अधिकार है। लोग जो घर से दफ्तर जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, बच्चे स्कूल कहीं जा सकते हैं, कहीं और कहीं मार्केट जा रहे हैं। सर, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ, वो सारी चीजें हम दिखा रहे हैं, कौन सी फैक्ट्रियां बंद हैं, किन लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन 26 जनवरी की उनकी ट्रैक्टर रैली सरकार की नाक के आड़े आ रही है।
ये मेरा सवाल है। सरकार पुलिस ने उनको ऑल्टरनेटिव रूट्स रखे हैं। देखिए मैं आपको एक अलग रूप से कह देता हूं और आप भी जानते हैं क्योंकि आप अति वरिष्ठ एक पत्रकार है, जहां पर भी ये ट्रैक्टिक रैली होगी, चाहे केएमपी में हो, दिल्ली में हो या गांव में हो, किसानों की बात के लिए पूरी मीडिया कवरेज मिलेगी, देश वैसे भी देखेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही रूट पे दिखने वाला है। अब ये अगर है गणतंत्र दिवस के एक पैरेलल परेड निकले, इस पे कई लोग प्रश्न कर सकते हैं। आज किसान कहते हैं हमारी बात जायज है, कल को कोई और कहता है उनकी अगर बात नाजायज है मानी और कहते हैं जी मेरा अधिकार है मेरा रैली निकालने के लिए गणतंत्र दिवस, तो फिर ठीक ठीक गौरव वल्लभ बोलिए। अब किसान मान भी जाए कांग्रेस मानने तो नहीं देगी आसानी से। रोहित जी मैं आपसे और आज तक के सारे विद्वान दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या देश में कभी किसी ने ऐसा कानून देखा है जो राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कर बिना वोटिंग के पारित हुआ हो, जो पारित होने के 2 माह बाद सरकार उसमें 18 संशोधनों के लिए तैयार हो, पारित होने के 3 माह बाद उसमें 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने के लिए तैयार हो, तो क्या ये कानून देश के लिए जरूरी है? सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है मैं उससे पूछता हूं। और रोहित जी अगर किसी शर्ट में 18 जगह खड्डा हो जाए ना, तो अच्छा ये रहता है कि 18 जगह रफू ना करा के नया शर्ट सिलवाया जाए। मैं यही पूछना चाहता हूं कि भाई ये 3 काले कानून तो ऑर्डिनेंस से बनाए थे, ऑर्डिनेंस कब काम में लिया जाता है? जब बहुत आवश्यक हो, जब बहुत आवश्यक हो तो भाई 18 संशोधन भी के लिए भी तैयार, 1.5 साल के स्थगन के लिए भी तैयार, इसका मतलब ऑर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं थी, जब संसद चलती उसमें पास हो जाता। अब आप इसको अपने नाक का इश्यू क्यों बना रहे हो? किसान क्या कह रहे हैं कि इन 3 काले कानूनों को वापस लीजिए, हमारे साथ बैठ के एक किसानों से बात करके संसद की लोकतांत्रिक परंपराओं को पूरा करके एक अच्छा कानून बना दीजिए। और दूसरी बात, मैं सब गणमान्य लोग जितने भी पैनल पे बैठे हैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, एमएसपी की लीगल गारंटी देने का ऑर्डिनेंस क्या आज शाम को 6 बजे नहीं बनाया जा सकता? यस या नो में उत्तर दीजिए। अगर बनाया जा सकता है तो सरकार क्यों नहीं बना देती है? उससे सरकार के राजस्व को क्या नुकसान हो जाएगा? सरकार का बजट डेफिसिट कितना कम हो जाएगा? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में। पर हाँ, जो हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत, किसानों की खेती को 2-3 लोगों को हवाले करने का जो षड्यंत्र है वो नाकाम हो जाएगा, क्योंकि फिर उन लोगों को भी किसानों से जो फसल है वो एमएसपी या उसके ऊपर के मूल्य पे खरीदनी पड़ेगी। आपकी पार्टी ने 70 में से 50-55 साल देश में सरकार चलाई, तो कभी किसानों को एमएसपी की वो गारंटी देने का नेक ख्याल उसके मन में क्यों नहीं आया? उससे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने कहा कानून में 18 संशोधन है, कमीज में 18 रफू हो जाए तो कमीज को फेंक के दूसरी ले लेनी चाहिए। आप तो कल को देश का संविधान फेंकवा देंगे जिसमें 100 से ज्यादा संशोधन करवा चुके हैं आप खुद ही। आप कहेंगे कि नहीं इसमें 100 रफू हो गए, इतने पैपर लगे इसको फेंको, आप दूसरा लेके आते हैं कहीं और से, हम बनाते हैं बैठ के यहां दर्जन। रोहित जी क्या संविधान में संशोधन 18 2 महीने में हुए पारित होने के? देखिए बहुत ही सीरियस डिबेट है, 2 महीने भी हुए पारित होने हुए उसमें 18 संशोधन के लिए सरकार तैयार है, इसका मतलब उसमें एब इनिशियो डिफॉल्ट है। इसको सरकार को अपनी नाक की लड़ाई नहीं मानना चाहिए। क्या संविधान में 18 संशोधन जब संविधान लागू हुआ उसके 2 महीने के अंदर हो गए थे क्या? देखो ऐसी बातें ना की जाए। सर संविधान में संशोधनों के लिए देश को बंधक नहीं बनाया था ना लोगों ने सड़क पे बैठ के, ये भी आप मानेंगे ना? जी जी आपको बात बता रहा हूँ कि अगर किसान यहाँ किसको बंधक बना के बैठे हैं, वो तो दिल्ली आना चाहते थे, उनको हरियाणा सरकार ने लाठियों से मारा, पानी छिड़के, उनके ऊपर आंसू गैस के बम छोड़े वो भी एक्सपायर्ड, उनके लिए खड्डे खुदवा दिए गए, फिर उनको जहाँ रोका। आप एक भी ऐसी घटना बता दीजिए पिछले 57 दिन में जब किसानों ने कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब किया हो, जब कानून की बात ना मानी गई हो। दिल्ली के बॉर्डर पर डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन सर पंजाब में मोबाइलों के टावर तोड़ दिए गए, वो किसने तोड़े? अभी वैक्सीनेशन ड्राइव जिस दिन शुरू हुई उस दिन हरियाणा के कैथल में क्या घटना हुई, उसके पीछे कौन लोग थे? अगर वो किसान नहीं थे तो किसानों की आड़ में कौन लोग थे? क्या उसकी कोई जवाबदेही नहीं है किसी की? या इस तरह की छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आंदोलनों की आड़ में हो जाती हैं और उनको स्वीकारता है?
देखिए देखिए, मैं आपको पूरी पूरी निष्ठा से एक बात बोलता हूं कि जो भी ये लोग काम कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते और वो भारत के शुभेच्छुक नहीं हो सकते। मैं सीधी और सरल भाषा में, वो भारत का हित नहीं चाहते जो भी ये काम कर रहे हैं, वो भारत का हित चाहने वाले लोग हैं। पर मेरे दो सवालों जब तक का टावर गिरने से अमरिंदर सिंह जी को दर्द नहीं हुआ था ना, तब तक आप लोगों को भी कष्ट नहीं हुआ था? तब तक आप लोग कह रहे थे गुस्सा है, लोगों का गुस्सा तो निकलेगा और उसका आरोप आप पे है भड़काने का। रोहित जी, मेरे तो दो सवालों का जवाब दिलवा, अभी ले लेता हूं सर। एमएसपी लागू हो जाएगी तो भारत के सरकार को एमएसपी की लीगल गारंटी से क्या नुकसान हो जाएगा, नंबर वन। और नंबर दो, जिस कानून को सरकार 1.5 साल तक के लिए स्थगित कर सकती है, जिसमें 18 संशोधन कर सकती है, जिसको बिना वोटिंग के राज्यसभा से पारित करवा सकती है, उन कानूनों को वापस लेके क्या किसानों के साथ मिलकर नया कानून नहीं बनाया जा सकता? मैं तो सुझाव इस समस्या को, इस आंदोलन को, जो किसान भाई 0 डिग्री में बैठे हैं, उनको घर पे वापस भेजने की बात सोचना चाहता हूं। ठीक है, चलिए वापस आके आपने जो दो सवाल उठाए उसका जवाब नलिन कोहली से लेंगे। और दूसरा ये कि सरकार भी यही कह रही कि हम किसानों को वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन किसान तो कह रहे हैं हम वापस क्या जाना, 5-6 दिन बचे, रैली निकाल के ही जाया जाए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं, मान गई सरकार, क्या खत्म होगी तकरार, सबकी नजर इस बात पर कि किसान संगठन सरकार के कल दिए प्रस्ताव पर क्या फैसला लेते हैं। पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, नलिन कोहली बीजेपी से, गौरव बल्लभ कांग्रेस से हमारे साथ हैं। ब्रेक के पहले दो सवाल गौरव बल्लभ ने पूछे, नलिन कोहली आप जवाब देंगे, उसके बाद पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए नलिन कोहली। धन्यवाद। मैंने गौरव जी की बातों को सुना और कई अद्भुत बातें, उन्होंने कहा भाई 18 संशोधन जहां की बात की जा रही है, तो शर्ट में अगर गड्ढे हो जाए तो शर्ट बदल दीजिए। 18 कौन से संशोधन है, कहां पर इसकी पुष्टि हुई है, कौन से है, ये अपने मन से बोल रहे हैं। दूसरी बात, संशोधन पे आपने कहा संविधान में 100 से अधिक हो गए, क्या संविधान को फेंक देंगे? संविधान 1950 में लागू हुआ, 1951 में नेहरू जी ने 14 उसमें संशोधन किए, 51 में एक साल के अंदर संविधान में 14, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक। मतलब कहां पर आप देखे, पंडित नेहरू जी इतने दुखी हो गए थे एक मीडिया हाउस से और एक न्यूज़पेपर से कि उन्होंने संविधान बदल दिया, कांग्रेस ये सीख दे रही है। और आखिरी बात अगर राजनीतिक में करूं सीख के ऊपर, तो इनके तो वरिष्ठ नेता जो है एक परिवार से आते हैं, कितने चुनाव हारे, कहां से कहां पार्टी को ले आए, तो नेता को तो बदल नहीं पाए। नेता बदल दीजिए अगर आपको यही प्रिंसिपल फॉलो करना है, दूसरों को क्यों राय कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे विषय पे, रैली के ऊपर में क्या इसमें दिक्कत है मुझे बताइए। इसकी निंदा हुई, बाद में निंदा हुई, 3 ऐसे आपके चैनल के कर्मी थे, महिलाएं थे, उनके साथ बदतमीजी हुई, बाद में निंदा हुई, शायद कोई शिकायत भी दर्ज की गई है। एक आपके रिपोर्टर को शायद सर पे चोट लगा, जो रिपोर्ट हुआ उसकी भी बाद में निंदा हुई। आप बात कर रहे हैं ये वहां पर हुआ जहां पर नेता बोल रहे हैं कि नहीं हम शांतिपूर्वक काम करें, कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर हो, गौरव जी कहते हैं कि एंटी सोशल होंगे, लेकिन है तो उसी स्थान में। कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर कल को एक ट्रैक्टर रैली का पार्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, जिम्मेदारी कौन लेंगे, गौरव वल्लभ पंत और सुरजेवाला जी और उनकी पार्टी? चाहे एंटी सोशल हो, क्या ये नहीं बनता कि हमें अपनी कानूनी व्यवस्था में किसी भी नागरिक के साथ ना छेड़छाड़ हो, किसी महिला के साथ किसी का सर फूटे या कुछ गलत हो, क्या ये नहीं बनती जिम्मेदारी? तो बिना जिम्मेदारी के को समझने वाली पार्टी ज्ञान बांट रही है, जिन्होंने यू टर्न कर दिया, खुद संशोधन किए, आज बैठ के बड़े बड़े ज्ञान कह रहे हैं और हम सवाल पूछना चाहते हैं। एक चैनल खोल लीजिए, रोज सवाल पूछिए, लेकिन जिम्मेदारी तो दिखाइए। ठीक, मैं गौरव जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, पुष्पेंद्र जी के पास जा रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, गारंटी लेंगे किसान संगठन इस चीज की कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, कोई असामाजिक तत्व नहीं घुसाएगा, कोई इस तरीके की वारदात नहीं हो जाएगी जिसके लिए बाद में शर्मिंदा होना पड़े संगठनों को और कहना पड़े कि नहीं साहब हमारा आदमी नहीं था, ये तो कोई घुसाया था? देखिए रोहित जी, नलिन जी को मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, सारा देश जानता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक की है, लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस प्रशासन और सरकार की होती है। इसका मतलब ये है कि इस देश में कोई भी कार होगा ही नहीं, कोई रैली नहीं निकलेगी, कोई प्रशासन नहीं निकलेगा, अपने मेन परेड फिर क्यों कर रहे हैं आप? आतंकवादी तो पूरे देश में घूमते रहते हैं, 15 अगस्त को भी आप अलर्ट जारी करते हैं, 26 जनवरी को अलर्ट जारी करते हैं, त्योहारों पे अलर्ट जारी किया जाता है, इसका मतलब सारी चीजें बंद कर दी जाए? कल को आप कहोगे आज तक चैनल भी बंद कर दो क्योंकि यहां पर 26 जनवरी को कोई बम रखने वाला है, ये क्या बात हुई?
लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एक्सप्रेसली आपकी है। हमारी नजर में यदि कोई आएगा, हमारा कोई व्यक्ति जो होगा, हम तत्काल उसको पाड़ करके आपके उसमें दे देंगे। हमने हमारा कोई व्यक्ति इस तरह का कोई काम करने वाला नहीं है, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है। अरे भाई, लेकिन आप ये कह रहे हैं ऐसे में कोई रैली नहीं होगी। मैं सुन रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, मैं पूरी बात ही सुन रहा हूँ सर, लेकिन एक सवाल भी तो पूछ रहा हूँ ना साथ साथ। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की है, पुलिस की है, ऐसे तो कोई रैली ना हो। जो रैली के लिए परमिशन लेने जाता है वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि हमारी रैली में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आप उस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? आप बोलिए कि नहीं होगी, आप बोलिए कि हम हैं, नहीं होने देंगे। हमारे कोई आदमी किसी किस्म की कोई घटना नहीं करेंगे। अरे जो टावर तोड़ रहे थे वो भी आपके आदमी नहीं थे? फिर नहीं, हमारे आदमी नहीं तोड़ गए ना, हमने क्लियर कहा है, तोड़ गए ना सर जी, हमने क्लियर कहा है कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है, जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, उसके अलावा जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप ये कहें कि आप इस तरीके से, तो पुलिस प्रशासन किसके हाथ में होता है? सरकार के। सरकार तो धारा 144 लगा करके अपने विरोधियों को बंद कर देगी, कोई मीटिंग नहीं कर पाएगा, कोई रैली नहीं कर पाएगा, कोई प्रोसेसर नहीं निकाल पाएगा। ये क्या बात हुई? जब भी कोई रोष हो, जनता में कोई दिक्कत हो, तो आप जो 144 लगा दीजिए, आप सबको कहिए अपने घर में बंद हो जाए। ये देश घर में बंद नहीं रहेगा। अपनी बात हम कहने के लिए आ रहे थे ना, हमने किसी को बंधक बनाया है, मैं आपको स्पष्ट करूं। हम लोग रामलीला मैदान के लिए निकले थे अपने घर से, आपने रोकी है ये सड़कें। नलिन जी, आपकी सरकार ने गड्ढे करके और तरह तरह के ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके रोका है। अब फिर आ रहे हैं 26 जनवरी को भारी संख्या में, आप उनको अलाउ कर देते जंतर मंतर या रामलीला मैदान आने के लिए, जो ऐतिहासिक स्थान रहा है जो प्रदर्शन करने का, धरने देने का, वहां से आपने रोक करके वो शांतिपूर्ण वहां बैठ गए और 120 से ज्यादा आदमी वहां पर शहीद हो चुके हैं, उसके बाद भी आपकी आंख नहीं खुल रही है? कमाल की बात आप कर रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं नलिन जी से, लेकिन उसके पहले एक कमेंट और चाहता हूं जल्दी से, क्योंकि बहुत से लोग लिख रहे हैं कि आपके आंदोलन में जो ऐसे तत्व हैं वो घुस जाएंगे ट्रैक्टर रैली के जरिए दिल्ली में और बैठ जाएंगे सड़कों पर, वापस जाने को तैयार नहीं होंगे, आप लेके जाएंगे वापस? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जहां तक घुसने की बात है, यदि पुलिस हमें कहीं रोकेगी, हम शांतिपूर्ण तरीके से वहीं रुक जाएंगे। ये मैं आपको बहुत साफ तौर पर एश्योरेंस देना चाहता हूं। और हमारे ट्रैक्टरों पर एक दूसरे को हर एक आदमी पहचानता है। एक गांव के आदमी अगर एक ट्रैक्टर बैठे तो किसी एंटी सोशल एलिमेंट का वहां एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन भीड़ में यदि आप ही खुद ऐसा भी सरकार करती है, पथराव करवा देती है और तरह तरह के, अभी यहाँ कुछ दिल्ली पुलिस के लोग भी वहां पकड़े गए, उसका वीडियो जारी हुआ है, मैं भेज दूंगा आपके मोबाइल पर। तो ये चीजें आप जो है लोकतंत्र में हमारा गला घोटने का काम ना करें। आपने दो मांगों को लेके आए थे, जो आपने कहा है कि क्यों हो रही है तकरार, मान गई है सरकार। अरे भाई, पहली बात थी कानून वापस लो, क्या वापस ले लिया? नहीं। दूसरी बात थी MSP की लीगल गारंटी दो, क्या दे दी है? नहीं। तो कैसे जो है किसान मान करके चले जाएंगे? ठीक, नलिन कोहली जवाब दीजिए इस देश में, जवाब दीजिए नलिन कोहली, फिर कृष्णवीर चौधरी और गौरव बल्लभ के पास बोलिए जी सीधे सवाल। पहली बात मैं कहूंगा, आप कहते हैं मैं जंतर मंतर आना चाहता हूँ रामलीला मैदान, वहां सिंघू बॉर्डर पे अन्य जगह बैठ के फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोगों का काम आने जाने में तकलीफ हो गई, और आप कह रहे हैं, मैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ भाई साहब, दिल्ली के बीच में आकर पूरी दिल्ली को रोक कर, ये शांतिपूर्वक नहीं, ये कष्ट कहलाने वाली बात। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, बातचीत के माध्यम से कर सकते हैं, सरकार सुन रही है, कमेटी बनी, लेकिन हो क्या रहा है कि पूरे इसमें हो रहा है कि रिपील करिए तो हम बात भी करेंगे, रिपील की जब बात करते हैं फिर बोलेंगे नहीं MSP पहले कर दीजिए। पहले जो बातें मीडिया में आ रही है, कमेटी बनाई आपने, सारे आदमी अपने घुसा दिए उस कमेटी के अंदर, मैंने आपकी बात श्रद्धापूर्वक सुनी भाई साहब, मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना, मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा मेरे बातों को सारे मान लीजिए, स्वीकार लीजिए, उसके साथ कह दीजिए कि मैं आप ही के बातों से मान के जा रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए, जनता सामने सुन रही है उनको सुनने दीजिए, वो अपनी मन की बात करेंगे। आपने जो कहा कमेटी, मैंने कौन से बनाई, और मैंने का मतलब क्या है ना, बीजेपी ने बनाई या सरकार ने बनाई, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आप भी थे कमेटी में आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया या नहीं किया कि इस कमेटी का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ सुनना है, आपके बोलने में कोई रोक नहीं है, आपके वहां कहने में कोई रोक नहीं है, जितनी चीजें कहना चाहते कहिए, कमेटी के ऊपर ये बाध्य है कि वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट तक कहेंगे। तो मतलब भाई साहब, मतलब आप अगर सुप्रीम कोर्ट की सब कमेटी को भी कहते नहीं है तो सरकार की कमेटी, तो सुप्रीम कोर्ट किस बात की रही ना, तो सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा तो कुछ है नहीं, संविधान
कि पूरी बात जो है सुप्रीम कोर्ट करती है, जहां पर आपके भी वकील थे, ऐसी बात तो है नहीं ना। ठीक, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसको ये मत मानिए कि सरकार ने बनाया। तो मतलब ये हो गया वही बात, जो ऐसे भी तत्व है जो कहते जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनको पसंद है तो कहेंगे नहीं नहीं बहुत बढ़िया काम किया, जब आदेश अच्छा नहीं लगा तो कह देंगे नहीं 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 ये तो सरकार ने लिखवा दिया। ऐसे कैसे चलता है ना। ठीक है पुष्पेन जी, आप बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले गौरव बल्लभ और कृष्णवीर जी को ला रहा हूँ। गौरव बल्लभ बोलिए अपनी बात, फिर कृष्णवीर जी के पास बोलिए। जी जी, ब्रेक से पहले मैंने दो सवाल पूछे थे, नलिन जी ने शायद एक सवाल तो सुना ही नहीं। मैंने ये पूछा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने में क्या तकलीफ, उसका तो खैर इन्होंने जवाब नहीं दिया, वापिस आप अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। नलिन जी, पहली बात तो मेरा नाम सिर्फ गौरव वल्लभ है, पंत मेरा सरनेम नहीं। दूसरी बात नलिन जी, दूसरी बात गलती हो गई, प्लीज 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 नहीं नहीं, मैं पहले माफी मांग लेता हूं ताकि आपको बुरा ना लगे। नलिन जी, अरे मैं माफी मांग रहा हूं, अरे गौरव जी, अरे नलिन जी, काम की बात ना, मैंने गलत दे दिया, काम बहुत बड़ी बात हो गई, अरे मैं माफी मांग रहा हूं भाई साहब, माफ कर दिया नलिन जी उन्होंने, आगे बढ़ते हैं, नलिन जी माफ कर दिया उन्होंने। चलिए चलिए, फिर इन्होंने कहा साहब लॉ एंड ऑर्डर कौन गौरव जी संभालेंगे। नलिन जी, सत्ता की 5 साल का लाइसेंस आपको मिला है। नलिन जी, नरेंद्र तोमर जी कहते हैं किसानों को सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, आप आज टीवी चैनल पे बोलते हो गौरव वल्लभ जी क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे। अरे वोट तो आपको मिले हैं, लाइसेंस सरकार चलाने का आपको मिला है, आप कहते हो कि गौरव वल्लभ जी लीजिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ चलाने का मिला, तो आपको भड़काने का लाइसेंस मिला है। मैं ले लूंगा नलिन जी लॉ एंड ऑर्डर का, जब मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी या मेरे दल को मिलेगी तो हम वो ले लेंगे। शायद आपको पता होगा गौरव जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, गौरव जी पूरा बोलिए, फिर नलिन जी आप जवाब दीजिए। एक प्रश्न मेरा गौरव जी के लिए, मैं एक मिनट सुन लीजिए, प्लीज प्लीज सुन लीजिए। फिर आपने कहा कष्ट बहुत फैल रहा है, लोग कष्ट में है। नलिन जी, अभी 2 सप्ताह पहले आपकी बंगाल की इकाई ने 2 दिन का बंद किया था, उस दिन तो बंगाल के लोगों के कष्ट के बारे में आपको ध्यान नहीं आया। नलिन जी, ये कष्ट सिर्फ आपकी जहाँ सरकारें हैं वहीं कष्ट फैलता है, आपकी जहाँ सरकारें नहीं वहाँ कष्ट नहीं फैलता है क्या? 3 वीक पहले जयपुर में बड़ा आपने चक्का जाम किया था नलिन जी, उससे जयपुर में कष्ट नहीं फैला क्या? तो आप विषय को भटकाइए मत, सीधा सा जवाब दीजिए कि जिस कानून में 2 महीने में 18 संशोधन, और कहां से बोल रहा हूं नलिन जी, देश के प्रतिष्ठित अखबारों ने लिखा है कि गवर्नमेंट इज रेडी फॉर 18 अमेंडमेंट। ये जवाब तो उन्होंने दिया आपको, इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने पूछा 18 कहां से लाए, तो मैं इनको डाटा का सोर्स बता रहा हूं। नलिन कोहली बहुत छोटा सा जवाब, कृष्ण जी वेट कर रहे हैं, जल्दी से नलिन कोहली, बहुत छोटा सा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बड़े ध्यान से सुना। ऐसा है ना, ये अभी तक एमएसपी क्यों नहीं आया, इसका जवाब वैसे रोहित जी ने आपको प्रश्न में पूछा था कि 70 साल में आपका राज्य आप लाए नहीं क्यों नहीं तब, तो उसका जवाब एक बार ना आप अपने अति वरिष्ठ नेता जी से कहिएगा कि उनके पिताजी की सरकार, फिर उनकी दादी जी की सरकार, और फिर उनके पिताजी की नाना जी की सरकार, ठीक है ना, उन सबसे जरूर एक बार ज्ञान करिएगा, उनके कई वरिष्ठ लोग आज भी हैं, उनसे पूछेगा कि 55 साल में ये कौन सी रिप वैन विंकल की नींद सो रहे थे। रिप वैन विंकल की कहानी सुनी होगी। और दूसरी बात है, हम सत्ता में है क्योंकि जनता ने हमें वोट दिया काम करने के लिए, हम उससे भाग नहीं रहे, हम याद दिला रहे हैं कांग्रेस को कि आप जो है ये बिना जिम्मेदारी के, संवैधानिक अधिकार भी नहीं है आपको, ये आप जिम्मेदारी के बिना कहे कि हम भंग करवाएंगे, नहीं मानेंगे किसान, और किसानों की लाशों की राजनीति भी होगी, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। ठीक है कृष्णवीर चौधरी, पुष्पेन जी हालांकि एक सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस से, उसके पहले कृष्णवीर चौधरी जल्दी से फटाफट से आपका एक कॉमेंट। अड़ा हुआ कौन है, जहां से बात शुरू हुई थी अभी भी वहीं की वहीं है, भले 10 दौर की बात हो गई हो, भले सरकार ने 1.5 साल का प्रस्ताव दे दिया हो। पुष्पेन जी तो कह रहे हैं भाई 2 चीजें मांगी थी, दोनों में से कुछ नहीं मिला, फिर कैसे मान लेगी मान गई सरकार, और क्यों ना निकाले रैली। क्या ये किसने कहा था शुरू में कि भाई सरकार ने जल्दी में कानून लाए हैं, बात नहीं की? बात तो देखो 15 सालों से हो रही है, ऐसा नहीं है बात नहीं हो रही है, बात तो हो रही, लेकिन हो सकता है इन लोगों से बात ना हुई हो, ऐसा भी नहीं है, कई लोगों से चर्चा हुई है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बेचारे पूरे जीवन में चले गए इसी बाजार को खोलने के मांगते हुए, चौधरी चरण सिंह बेचारे प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने कहा किसान बाजार से खुले, बाजार में खड़ा करो, बहुत लूटपीट हो ली। अगर ये इतना अच्छा होता तो सिस्टम में सुधार की जरूरत क्या थी। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये इस देश के प्रत्येक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है, जिसमें किसान भी है, जवान भी है, और शिक्षक भी है, डॉक्टर भी, हर व्यक्ति है, मजदूर भी है, सब कुछ है,
कि 26 जनवरी को हमें शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारे सेना के शौर्य का दिन है, उसमें हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और जिससे कहीं कोई ऐसी कोई बात का खतरा हो, ये कोई जरूरत नहीं। 26 को ही क्यों करेंगे? देखिए, बड़ा सवाल अब लोग हमसे भी पूछते हैं, 27 को क्यों नहीं कर लेते आप? अब हम क्या कहें इस बारे अच्छा, में हमारे 27 को कि उसमें कोई ऐसी अब जब हम घटना होने की आशंका नहीं रहेगी। सरकार ने तो एक साल के बजाय 1.5 साल का टाइम दे दिया, अब बहुत बात होंगी रोहित जी, 1.5 साल में बात ही होंगी। और कमेटी भी बनेगी, अब कमेटी में यही लोग होंगे तो कमेटी में खूब एक एक बिंदु पर रोजाना सुबह से शाम तक खूब बात होंगी और हर शिकायत दूर होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। लेकिन अब उनकी भी सुनी जानी चाहिए जो पूछे। पुष्पेन जी पूछ लीजिए सवाल। एमएसपी की बात भी कल बैठक में हुई है, अब सुनिए रोहित जी। रोहित जी, सवाल पूछ रहे हैं हुई है और उसमें ये है कि एमएसपी पर जो है कमेटी प्रस्ताव जो है, कमेटी देखे कृष्णवीर जी, कमेटी बनेगी वो देखेगी। अब एक सवाल पूछ रहे हैं पुष्पेन जी से, ये पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं गौरव जी से पूछना चाह रहा हूँ कि यदि ये सरकार जरूर होना चाहिए रोहित जी, एमएसपी पर बात जरूर होनी चाहिए, यदि ये सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देती है तो जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, आप आज वादा करते हैं गौरव जी कि आप इसको करेंगे, या इधर उधर की बातें मत करना, क्या आप इसको करेंगे बताइए। पुष्पेंद्र जी, मैं आपको आज तक पे बैठ के बोलता हूँ कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए हम प्रतिबद्ध है, हम इसकी शपथ लेता हूं मैं आपके ठीक सामने। है, चलिए आपने शपथ ले ली गौरव जी, और छोटी सी बात पुष्पेन जी से, नहीं नहीं थोड़ा रोक दीजिए गौरव जी, छोटी सी प्लीज, एक गौरव जी आपको सुनना अच्छा लगता है, मैं सुनना भी चाहता हूं, लेकिन आपने जो बात कह दी है कि मैं शपथ ले रहा हूं, उस पर पुष्पेन जी से एक सवाल पूछना है मुझे। पुष्पेन जी, इसके पहले इन्होंने जितनी शपथ ली थी आपके सामने किसानों के नाम की, वो सारी पूरी की है? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, शपथ लेकर के यदि कोई आप पहले उसका जवाब दीजिए ना जो पूछ रहा है। क्या नहीं, इन्होंने जितनी शपथ ली थी आपसे सारे वादे पूरे नहीं हुए? वो सारे वादे पूरे नहीं हुए, किसी के भी पूरे नहीं हुए, तो फिर आज ये नया वादा करवा के आप क्या हासिल कर रहे हैं? ये नया वादा करवा के आप क्या हासिल कर रहे हैं? शर्मिंदा करने की बात, ऐसा वादा तो सरकार भी कर रही है आपसे, ऐसे वादे तो सरकार भी कर रही है कि 1.5 साल में हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, बैठते हैं कानून पे चर्चा करते हैं, वो तो आप मना कर रहे हैं नहीं करना। हम पब्लिक में कम से कम इनको शर्मिंदा तो करेंगे, आपने वायदा किया था, आप क्यों चूके? नेता शर्मिंदा होते हैं क्या सर? बोलना चाहता हूं रोहित जी, अगर अवसर मिले तो। नेता शर्मिंदा होते हैं क्या? अब चलो, ये तो खैर रोहित जी मैं बताएंगे शर्मिंदा होते हैं कि नहीं होते। रोहित जी, एक लाइन बोलना चाहता हूं अगर आप अनुमति। हाँ गौरव जी, लास्ट कमेंट, बहुत छोटा सा प्लीज, 20 सेकंड। आप ये बताइए रोहित जी, 10 साल की यूपीए की सरकार थी, कभी किसानों को ठंड में 60 दिन सड़कों पे बैठना पड़ा क्या? बस उसी में मेरा उत्तर है। कभी किसानों को हमने घर बैठे बैठे 1,80,000 किसान मर गए आपकी सरकार में, यही उत्तर। और आप हर बार केवल यही कहते रह गए कि किसान मर रहा है, उसकी बेहतरी के लिए हम ये काम कर रहे हैं, उसके बाद भी किसान तो मरता रहा ना, और किसान आज नहीं, किसान पहले से लगातार बार बार अपनी बेहतरी की मांग करता रहा है और आज भी उसी मांग को लेकर सड़क पर बैठा है, लेकिन लाल फीताशाही हर बार हावी रही है। तो दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। आगे हल्ला बोलोगा अंजना के साथ, आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।